हे व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आई होप गाइस आप लोग जैसे भी हो गए काफ़ी अच्छे हो गए, मज़ेदार हो गए। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो ज़्यादा कुछ तो मैं बताता नहीं वीडियो में शुरुआत में, तो अभी बता देता हूँ। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसके ऊपर मैं प्रपोजल प्रैंक करने वाला हूँ, देन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक बने रहना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और वीडियो जैसी भी लगी लास्ट में कमेंट करके बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के एंड में। टेक केयर, बाय बाय। है ही नहीं है। व्हाट्सअप, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आप बताएं, ये कॉल सेंटर वाली आवाज़ क्यों निकाल रही हो? काफ़ी टाइम बाद मिले हो ना, अब तो मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करते हो। तो तुम्हें कंप्यूटर की तरह आवाज़ निकालोगी? और नहीं तो कैसे? तो बड़े लोग हो गए ना, बड़े लोगों से कैसी बात। अभी क्या बोला तुमने, मैं भूल गया, कैसे बोला था? आप बताएं। आप बताएं, ये आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है, प्लीज़ हमें रिचार्ज करें। और कैसे चल रही है ज़िंदगी आपकी? सब सही? मेरी ज़िंदगी डियर ज़िंदगी की तरह चल रही है। क्या हो गया? बस क्या नहीं हुआ ये पूछो, सब कुछ हो गया मेरी लाइफ में। क्या हो गया? मेरा दिल टूट गया। दिल टूट गया? दिल कैसे टूट गया तुम्हारा? मजाक, तुम्हारे अंदर दिल है? पहले तो ये बताओ। नहीं, खोखला हूँ मैं। और नहीं तो खोखले ही हो तुम। तुम पागल हो यार, इतने अच्छे फ्रेंड्स का रिप्लाई नहीं करते तो खोखले ही हो गए ना। अच्छा, और नहीं तो मैंने तुम्हारा रिप्लाई नहीं करा। आपने मेरा रिप्लाई हो जाता है यार। तुम्हें पता मैंने तुम्हें क्यों बुलाया यहाँ पे? क्यों बुलाया? बहुत बड़ी बात करने के लिए बुलाया मैंने। हाँ जी बताएं। ये क्या हो गया तुम्हें भाई? बताओ। कुछ चेंजिंग, कुछ कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेगा? नहीं, कॉल सेंटर ज्वाइन नहीं किया ना, बड़े लोगों से ऐसी बातें करते हैं। बड़े लोगों के पास हमारे पास टाइम नहीं है कि वो हमारे को मैसेज का रिप्लाई तक कर दें। चलो, तुम मुझसे लंबी लग रही हो, पता है आज हील्स पहन कर। नहीं, वैसे भी लग रहा है, लग रहा है मैं छोटा सा हूं। नहीं नहीं, मैं छोटी हूं। अच्छा बताइए, क्या बताएं हम आपको? हां जी बताओ ना, क्या हो गया? मतलब कौन सी जरूरी बात करनी है? मोहब्बत हो गई मैं तुमसे। मुझसे? हाँ। पागल वागल हो गई हो क्या? अबे बैठ जाओ, तुम तो खड़ी होगी, मजाक कर रहा हूँ, बैठो। अच्छा, डर गई यार, मैं ऐसी बातें मत किया करो। रिएक्शन चेक कर रहा था तुम्हारे, क्या रिएक्शन दोगे? नहीं नहीं, ऐसे मत बात किया करो, अच्छा नहीं। अच्छा चलो, मजाक छोड़ते हैं, मैं बस जानबूझ के मजाक करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें पता है मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूं। हां पता है, वो भी अभी से नहीं, काफी टाइम से हूं। और ठीक है, गर्लफ्रेंड आपकी? वो तो बहुत मजे में है यार, उसके पास मेरे जैसे दो हैं। मतलब क्या? मतलब क्या मैं समझूं, मेरे जैसे दो हैं ऑलरेडी, दो और चला रही है वो। क्या कह रहे हो, पागल हो गया? कसम से, ऑलरेडी उसके पास दो बंदे हैं। मतलब मैंने पता है, आप क्लियर बोलो प्लीज, ऐसे घुमा घुमा के मत बोलो। मजाक में ना बताऊं, सीरियस में बताऊं? सीरियसली बताओ, क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है, हुआ ये है कि एक हफ्ते पहले मैंने उसे किसी और के साथ देखा, वो भी एक देखना और कुछ करते हुए देखा, कुछ करते हक कर रहे थे। शिट, कहां पे? और हक के बाद एक फोरहेड किस नहीं होती, वो ऐ दिल मुश्किल वाली, वो मैंने उस टाइम देखा, मैंने कुछ रिएक्शन नहीं किया। जाना चाहिए था ना उधर, पूछना चाहिए था तुम्हें कि बात क्यों हुई है, मतलब वो एकदम से ऐसा कैसे कर सकती है? फिर भी यार तुम इतने लॉयल हो उसके लिए, तुम वो भी तो लॉयल्टी दिखा दी, लॉयल्टी दिखा दी, तो मैं उसे क्या जाके बोलूं कि क्या कर रही है? उसको जाके उस टाइम पूछते तो सही कि बात क्या है एक्चुअल, वो इस तरीके से कर कैसे सकती है? यार नहीं होता, पागल नहीं होता। उस टाइम पे मेरे को समझी नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि ऐसे झूठ चल रहा है, बट स्टिल वो सच। तुम मजाक तो नहीं कर रहे कहीं? तुम्हें मजाक करने के लिए मैं दिन में बुलाऊंगा यहाँ पे? नहीं यार, मेरे तो कुछ सीरियस से समझ में भी नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? तुम्हारा तो इतना अच्छा रिलेशन था। था था आई था ओके, अब नहीं है। फिर अब फिर उसके बाद ना मैंने उसे कोई मैसेज करा ना कॉल करा, बस एक हफ्ते से कोशिश नहीं करी, उसने भी नहीं किया। मैंने ब्लॉक कर दिया जगह से, मैंने खुद मैंने ब्रेकअप कर लिया। मैं ऐसी लड़की को रख के क्या करूंगा जिसके पास मेरे जैसे बहुत है? मैं लॉयल था, वो लॉयल थोड़ी थी, वो तो मुझे पता चल गया। क्या करूं, मुझे अब समझ नहीं आ रहा। देखो नहीं, मतलब मैं टेंशन मत लो, नहीं सुनो, उसने गलत करा उसका हो गया ना, आप टेंशन मत लो। नेहा नेहा, मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया है क्योंकि एक हफ्ते से मेरा माइंड बिल्कुल नहीं चल रहा, मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें मैंने बहुत मजाक में बताते, स्टिल मेरे पे जो बीत रहा है वो मेरे पे बीत रहा है, मेरे पे मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पे क्या हो रही है। यहाँ तक कि तुम्हें पता मैंने सुसाइड का भी ट्राई करा। तुम पागल वागल हो गया, मम्मी को फ़ोन करूँ तुम्हारी, सुसाइड करोगे तुम? मम्मी को फ़ोन करके क्या करोगे, मैं तो रहता ही अकेला हूँ। वाह, जैसे आंटी का नंबर तुम्हारे पास है ही नहीं, जैसे मैं किसी को जानती नहीं आपके घर में, जान के क्या करोगे? सुसाइड ना बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें ना उसके पीछे मत सोचो जिसने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, सुसाइड करूंगा मैं। तो मैं लॉयल था ना यार, मेरे मन में अब कोई लग ही नहीं रहा मैं किसी के साथ हो सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी एक के आने या जाने से ना जिंदगी रुक नहीं जाती है। रुक गई मेरी तो, कहीं कुछ नहीं रुकता है। किसी के चक्कर में सुसाइड करोगे क्या? अपनी फैमिली के बारे में सोचा? पागलों वाली बातें कर रहे हो, लड़की होगी पता नहीं क्या हो गया यार। मैं अपने बारे में नहीं सोच पा रहा, फैमिली के बारे में कहाँ से सोचूंगा, सब हो जाता है।
तब हो जाता है? कुछ नहीं होता, एक हफ्ता हो गया मैंने अपने आप को देख लिया। इस चक्कर में तुमसे बात नहीं कर रहा था यार। एक हफ्ते में नहीं कुछ होता, टाइम लगता है सारी चीज़ों में, धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये सुसाइड कुछ वो नहीं होता कि तुम किसी लड़की के चक्कर में वो किसी और के साथ चले गए तो तुम सुसाइड कर लोगे। फैमिली भी नाम की कोई चीज़ होती है यार। यार तुम नहीं समझ पा रही है, तुम्हें मैं प्यार से बता रहा हूँ, मेरे को पता है मेरे पे क्या चल रहा है। तुम्हें मैं समझा क्या? अच्छा नहीं होगा यार, मेरे पे ऑप्शन नहीं है कुछ। तुम मर जाओगे, खत्म कहानी। क्या होगा यार जिसके साथ मैं इतने टाइम से, क्या होगा यार इतने टाइम से मैं जिसके साथ लॉयल था वो मुझे डिच कर रही है, तो बताओ मैं क्या करूँ? बच्चा नहीं हूँ मैं यार, शायद बच्चा होता, समझदार होके गलती कर दी मैंने, बहुत समझदारी दिखा ली। समझदार नहीं हो तुम, बच्चे ही हो, ऐसी बात है ना, बच्चे ही करते हैं। और आगे से मैंने ये बात सुनी ना, मैं एक थप्पड़ लगाऊंगी खिंचा के। अरे मैं तुम्हारा मजाक मार सकती हूँ, मेरे को इतना हक है कि मैं तुम्हारे लगा दूँ। अरे मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा। तो सुसाइड करने वाली कौन सी बात होती है? तो मेरे पे ऑप्शन नहीं समझ आ रहा, मैंने हर चीज करके देख लिया, मैं अपनी अपने फ्यूचर पे फोकस नहीं कर पा रहा जिसके लिए मैं इतना मोटिवेट था, मेरा ध्यान नहीं जाता, सब हो जाता है। मैं डिप्रेस रह रहा हूँ आजकल। मैंने बहुत बार ट्राई करा तुमसे बात करने का, बट स्टिल मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, मैं अकेले ही रह रहा हूँ। मुझे कॉल तो करते करके, बहुत ट्राई करके तुम्हें मिलने के लिए बुलाया मैंने सीधा, कॉल पे मैं क्या बात करता? एक बार बात तो करते, उस टाइम पे मैं समझाती ना तुम्हारे को। तुम समझ क्यों नहीं रही यार, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दे रही हो। नॉर्मल होके बात करो। नॉर्मल ही हूँ मैं कौन सा हाइपर हो रहा हूँ? ये सुसाइड वाली बात है तो नॉर्मल लोग तो करते ही नहीं है, पागल लोग ही करते हैं, जाहिर सी बात है। तो पागल हो गया ना मैं उसके चक्कर में? शायद जिसने तुम्हें धोखा देकर चली गई उसके चक्कर में तुम पागल हो गए। धोखा उसने दिया, मैंने थोड़ी दिया था, मैंने दिया था शायद मेरे पे कुछ ना बीतती, धोखा उसने दिया मेरे पे बीत रही है। और यहाँ तक कि तुम्हें लग रहा है कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा, वो अपने वो गीत वहाँ सुना रही होगी शायद। वही तो मैं कह रही हूँ, जिस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके चक्कर में तुम इतना बड़ा स्टेप लेने की सोच भी ली, मेरे को तो ये समझ में आ रहा कि तुमने ये चीज़ सोच ली यार। और कोई होता तो चलो मेरे को समझ में आ जाता, तुम्हारे से तो मुझे इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी, सीरियसली मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं सीरियसली मैं बहुत डिप्रेस हूँ, और मैंने और तुम्हें पता है मैं इतने दिन भले ही मेरी तुम्हारे से बात नहीं हुई, बट स्टिल एक वन साइडेड मेरे माइंड में तुम चल रही थी। मतलब ये कि मैं सोच रहा था तुमसे बात करूँ, ट्राई करूँ तुमसे बात करने की, क्योंकि मेरे माइंड में कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था नेचुरली। तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा इतने दिन हो गए अभी ने आज तक ऐसा नहीं करा, मैं कब से मैसेजेस कर रही हूँ, अराउंड वीक के आसपास हो गया होगा मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि मेरे साथ ये सब हो रहा था यार, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। कॉल तो करते उस टाइम पे आप एकदम अकेले थे, एक बार मुझे कॉल करते, मेरे से बात करते, मैं आपकी हेल्प करती उस टाइम। मैं उस टाइम पे सोच रहा था ट्राई करने की, बट अब मेरे पे देखो एक सारी बातें छोड़ो, चलो कोई जो पास था उसे हटाओ, बट एक ऑप्शन है मेरे पास अपने आप को हील करने का। क्या? तो करो ना। मैं तुम्हारे रिलेशन में आना चाहता हूं। तुम पागल हो गए हो क्या? रिलेशन में आना चाहता हूँ, रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड के तौर पे तुम्हें मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए मैं हमेशा रखूंगी। रिलेशनशिप में आने में क्या प्रॉब्लम है? मैं रिलेशन में आ सकती हूं, मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स ही नहीं तुम्हारे को लेकर। तो मेरे को भी नहीं है, बट स्टिल हम क्रिएट करेंगे। नहीं यार रिलेशन में नहीं, सॉरी। अरे ट्राई करेंगे ना यार। नहीं होता अभी, इतना ईजी नहीं होता हर चीज़ की। आपने मेरे को बोल दिया कि मेरे को रिलेशन में आना, मैं रिलेशन में आ जाऊँ, नहीं होता। तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ मैं यार, मैं प्यार से समझ गई हूँ, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है कि तुम प्रॉब्लम में चल रहे हो, लेकिन ये कोई मतलब तो मुझे एक बंदी की ऐसी नीड है जो मुझे सपोर्ट कर सके मेंटली। तो एज अ बेस्ट फ्रेंड भी तो कोई सपोर्ट कर सकता है ना? एज अ बेस्ट फ्रेंड नहीं, मुझे रिलेशन में होगे तभी आपको सपोर्ट। मैं चाहता हूं तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो यार। सॉरी मैं नहीं कर सकती गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बनूंगी यार हद है। क्यों बुरा हूं मैं? बुरे वाली बात नहीं है, अंदर फीलिंग्स भी होनी चाहिए ना। तो फीलिंग्स क्रिएट हो जाती है यार? नहीं होता कोई फीलिंग्स क्रिएट, इतना इजी नहीं होता सब कुछ यार। हो जाती है पागल, तो ट्राई तो करो एक बार, जहाँ फीलिंग्स नहीं वहाँ कुछ हुआ नहीं, हुआ ना यहाँ नहीं है फीलिंग्स, हो जाएगा फीलिंग्स का क्या, आज निकल हो जाती है। आज मैं तुम्हारे को बोल दूँ कि चलो ठीक है मैं रिलेशन कंटिन्यू कर लेती हूँ, 6 महीने साल हो गया हमारे रिलेशन को, नहीं कोई फीलिंग्स आई, फिर मैंने मना कर दिया। तुम इतना आगे कैसे हो सकती हो? और हो गया तो, और हो गया तो, और नहीं हुआ तो? हो जाएगा यार, कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अभी इस तरीके की हरकत कर रहे हो उस टाइम पे तो फिर तुम बोलोगे कि मैं सुसाइड कर रहा हूं। हो जाएगा यार, नेहा प्लीज, अभी कुछ नहीं होता ऐसे, प्लीज नहीं। देखो मैं ऑलरेडी हर्ट हूं, ठीक है, ब्रोक हूं, मैं तुम्हें नहीं करूंगा, प्रॉमिस नहीं करूंगा, तुम एक बार ट्राई करो, बहुत बेटर चलेगा हमारा। मेरे भी अंदर भी कोई फीलिंग्स नहीं है, बट मैं सोच रहा हूं हमारी क्रिएट हो जाएगी। नहीं नहीं ये रिलेशन में नहीं आ सकती, मैंने तुम्हें अच्छे दोस्त के अलावा कुछ नहीं माना। मैंने भी नहीं सोचा था कभी ऐसा दिन आएगा, बट स्टिल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार, और मुझे कोई ना कोई चाहिए। तुम्हें कहीं जाना है ना तो मेरे साथ घूमने चलो। घूमने की क्या बात है, घूमने तो मैं किसी को भी ले जाऊँ। जब मर्जी कॉल करो, मैं तुम्हें हर टाइम सपोर्ट करूंगी जब मर्जी, लेकिन यार रिलेशन, घूमने से क्या होगा यार, मुझे तुम हर टाइम चाहिए हो यार। अभी रिलेशन में नहीं आ सकती, हर टाइम मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे जब मर्जी कॉल कर लो, बट रिलेशन नहीं, मुझसे नहीं होगा, सॉरी। नहीं यार देखो मान जाओ,
नहीं मानोगी? अगर मान जाओगे तो बहुत मेरे लिए शायद से बहुत बेटर है, शायद से आगे चल के तुम्हारे लिए बेटर हो। नहीं मानोगी तो फिर लास्ट मीटिंग होगी तुमसे, क्या मेरी हर किसी से। मतलब क्या कहने का? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं यार। मैं तुम सुसाइड करने की कह रहे हो? मैं यही सब मैं आंटी को फोन कर दूंगी अभी के अभी। मैं सुसाइड ही ट्राई कर सकता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं। ये कोई तरीका नहीं होता, मैं सीरियसली एक थप्पड़ और मार दूंगी अगर दोबारा से ये बात बोली तो। सुसाइड का ही ऑप्शन है तो तुम मान जाओ फिर। यार ये तो मतलब धमकी वाली बात होगी, तुम मान जाओ नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अब तुम जो मर्जी समझो। नहीं प्लीज नहीं, ये सुसाइड। और आज के बाद मेरा आगे वाली बात मत बोल देना, और जब बोलोगे ना उसी टाइम मैं एक थप्पड़ और लगाऊंगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ दोबारा बात ना सुन लूँ मैं आपकी। नहीं यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, क्रिएट कर लेते हैं यार। नहीं मैं तुम्हें बहुत प्यार समझा रहा हूँ, अगर आज हुआ चला आज तुम मान गई तो ठीक है, नहीं तो बस सीरियसली बता रहा हूँ, प्रॉमिस ये लास्ट मीटिंग होगी तुमसे, क्या हर किसी जिससे मैं मिल चुका हूँ। अभी मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे एक थप्पड़ और मारूँ, तुम जगह देख रहे हो, सीरियसली मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी बातें मत करो। तो जगह से हमें क्या लेना देना, हमारी लाइफ की बात हो रही है। तो ऐसे कौन करता है, मतलब कि सुसाइड कर लूंगा अगर तुमने हानि करी, सुसाइड कर लूंगा उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सुसाइड ही कर सकता हूँ। अभी सॉरी मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ट्राई तो करो एक बार। नहीं करना मेरे को ट्राई। अबे सब हो जाता है यार, एक इंसान को कुत्ते से प्यार हो जाता है। तो तुम अपने आप को कुत्ते से कंपेयर कर रहे हो? अरे यार एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। कोई एग्जांपल नहीं चाहिए मेरे को, मैं रिलेशन में आ सकती, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं हर चीज़ में हेल्प करूँगी। रिलेशन के लिए मुझसे आज के बाद दोबारा मत बोल देना। ये तो मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हें। देखो लास्ट ऑप्शन है, प्यार से मान जाओ, नहीं तो धमकी। धमकी क्या, मैं तुम्हें क्या धमकी दूंगा, और कुछ नहीं कर सकता, बस जो मैंने ऑप्शन दिया बस वही। अभी तुम जिद कर रहे हो, जिद करके रिलेशंस नहीं चलते हैं, चल जाते हैं। जिद करके मेरे को जबरदस्ती कह रहे हो मैं रिलेशन में हूं, ऐसा नहीं हो सकता। यार देखो प्यार से मैंने रिलेशनशिप चला लिया एक, अब सोच रहा हूं जबरदस्ती चला के देख लूं शायद चल जाए। प्यार वाला तो देखो ऐसा निकल गया, प्यार वाला तो मैं छोड़ गया, जबरदस्ती वाला छोड़ गया, फिर तुम कहोगे मैं जा रहा हूं सुसाइड करने, लास्ट मीटिंग है, ये है वो है। नहीं ऐसा नहीं, सुसाइड नहीं करूंगा, तुम नहीं धोखा दोगे मुझे, मुझे पता है। और मैं तो देने से तो आए ना मेरे को रिलेशन के लिए, फीलिंग्स आ जाएगी यार। नहीं होता अभी तुमसे, मैं देखो प्यार से पूछ रहा हूँ, मतलब प्यार से क्या, मैं एक नॉर्मल वे में पूछ रहा हूँ, यस या नो? हैं नो? पक्का? पक्का नहीं कर सकती, सॉरी मैं हर चीज़ में अवेलेबल हूँ लेकिन रिलेशन में नहीं, सॉरी नहीं। क्या मिल जाएगा यार ये सब करके? क्या सब करके, मैं एकदम से यार तुम्हारी बात सुनकर शॉक्ड हो गई हूँ, मतलब बोलो एकदम से तुम मुझे बुला के बोल रहे हो कि रिलेशन में आना है, ब्रेकअप हो गया, ये सुसाइड कर लूँगा। छोड़ो फिर तुम जाओ, मतलब जाओ अपने घर जाओ, और क्या करोगे यहाँ बैठ के, जो मैं सॉल्यूशन मुश्किल में छोड़ के तुम कह रहे हो कि मैं घर से, तो मेरी हेल्प भी कहाँ कर रही हो? तो ये रिलेशन में आना हेल्प नहीं होता ना। मेरी हेल्प मुझे पता ना, मुझे किस चीज़ की नीड है, तुम कैसे बता सकते हो मुझे किस चीज़ की नीड नहीं है। मैं चाहता हूँ कोई मेरे साथ रहे, आई नो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त हो, बट मैं एक रिलेशनशिप चाहता हूँ। रिलेशन के लिए मैं नहीं आऊँगी अभी, प्लीज सॉरी, मैं रिलेशन के लिए नहीं आ सकती। यार नहीं यार तुम समझ नहीं रही, तुमने समझ रो कौन रहा है तो फिर ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं क्यों रोऊंगा, बट मैं स्टिल तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, परेशान कोई और जानबूझ के होते परेशान नहीं होता जानबूझ के, लेकिन खुद को संभालना भी तो खुद के हाथ में ही होता है ना। देख लिया मैंने यार सब कुछ करके, कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा, डोंट वरी, तुम्हारे कहने से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। और ये अब तुम मुझे कोई सफाई मत दो, तुमसे जो मेरे को बात करनी थी मैंने कर ली, ठीक है, तुम नहीं मान रही, चलो तुम्हारा भी अपना डिसीजन है, तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ है, जैसे उसकी थी, मैं भी गलती कर रहा था, तुम जा सकती हो, बट आई प्रोमिस कल तुम मुझे नहीं देखोगे। मैं एक थप्पड़ और लगाऊंगी अगर दोबारा ये वाली बात बोलती। नहीं देखोगी यार, नहीं देखोगी 10 बार। अच्छा चलो ठीक है, क्या ठीक है, तुम्हारे घर से रिलेशन में आ जाती हूँ तो मेरे कहने से बाद में अगर कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे को तो ब्लेम नहीं करोगे? दिक्कत क्यों होगी, मैं तो डिस ही नहीं करूँगा, अगर मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं आई तो मैं तुम्हें बोला तुम चली जाओ, तुम छोड़ दो मत करो यार। इस टाइम पे मैं अगर काम नहीं आई तो फिर कोई कौन काम आएगा, इतना बेस्ट फ्रेंड होकर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ एक बार, हम कोशिश करके देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो उसके बाद देखते हैं, ठीक है? ट्राई कर रही हो? ट्राई करते हैं जरूर। किसी चीज़ के लिए मेरे को ज़बरदस्ती फोर्स मत करना कि अगर जैसे मैंने आपको बाद में बोला कि मेरे को नहीं फीलिंग्स आ रही है मेरे से, नहीं क्यों नहीं आएगी, आ जाएगी भाई, तुम पहले शुरुआत होने से पहले एंड सोच रही हो तो कैसे होगा? मैं एंड नहीं सोच रही हूँ, हर चीज़ क्लियर करके चल रही हूँ, कल को प्रॉब्लम ना है ना रिलेशन में, हम शादी कर लेंगे ना, पहले हम रिलेशन में देखे रख रहे, जैसे शादी करते हैं उसमें फील थोड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो रिलेशन में आ रही तो मेरे साथ।
पक्का ट्राई कर लेते हैं। तो आई लव यू बोलो फिर। रिलेशन में आपने बुलाया, मैं क्यों बोलूं? मैंने बुलाया तो तुम बोलो ना, तुम एक्सेप्ट कर रही हो ना? हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तुम मुझे एक्सेप्ट कर रही हो? प्रॉमिस? प्रॉमिस। डिच भी नहीं करोगी? लगता है? लगता तो नहीं, लगता तो आपको ये लगता कि अगर मैं डिच करूँगी तो आप मुझे बुलाते? तो मतलब पक्का है ना? श्योर? हैप्पी? आप ये क्वेश्चन लगा रहा हूँ। हाँ तो बोलो तो वो जो मैजिक वर्ड्स हैं थोड़े। मैं भी बोलूँ? कौन बोलेगा फिर? आप बोलोगे ना? क्या तुम नहीं बोलोगे? आई लव यू। क्या बोला? आई लव यू। ये कैसा आई लव यू? और कैसा आई लव यू होता है? फिर मैं क्या बोलूँ आई लव यू टू? कितने बंधु हो यार तुम। मान गई, तुम्हें लगता है मैं सुसाइड कर लूँगा? जिस तरीके से तुम बोल रहे थे मुझे उम्मीद तो यही थी कि तुम शायद कर लो। हाई फाई दो, हाई फाई। उधर देखो तो शादी कब कर रहे हैं? तुम लोग पागल इंसान हो, एकदम पागल, मतलब बिल्कुल यार हद हो गई है। अब पब्लिक नहीं देख रही? अब यार मतलब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे मेरे को यहाँ बुला के। मजाक क्या उड़ा रहे? शादी करेंगे अब, हम मेमोरीज कलेक्ट कर रहा था मैं। बेकार में थप्पड़ भी खा लिया मुझसे, अब तो तुम और भी खा लिया। तो मेमोरीज कलेक्ट कर रहे थे बाबा, तो ऐसे कौन करता है? अपनी गर्लफ्रेंड देखेगी तो ब्रेकअप तुम्हारा जरूर होगा। मेरे हो चुका है, शादी वादी करते हैं, मुझे छोड़ो। अब मेरा पागल कर रहा, मैंने कैमरा देख लिया। हाथ तो दो। अरे दो तो सही। आई लव यू नेहा। बदतमीज पागल यार, डराई दिया। हाय करो, हाय करो। रियल लगा रहे तुम्हें? सीरियसली यार मैं सीरियस हो गई थी, मतलब मैं डर गई थी क्या हो क्या रहा है ये सब। ऊपर से तुम धमकियां दिया जा रहे हो मेरे को। तुमने कर दी सुसाइड? नहीं कर सकते। आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। लास्ट इंट्रो दे दूँ, मतलब पक गए होंगे तेरे, तुम पका दिए तुमने पब्लिक को। मैंने नहीं पकाया, तुमने डरा दिया मेरे को। आई होप सो गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये लड़की भली अच्छी नहीं लगी होगी पर वीडियो बड़ी अच्छी। लेकिन याद रखना ये लड़का पागल जरूर बना रहा आपका ऐसे। उनका नहीं बना रहा, मैं तुम्हारा बना रहा हूँ। उन्हें सब पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है? कुछ ही बोलती है, इसमें दिमाग नहीं है। बाकी वीडियो जैसी भी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। कुछ बोलना चाहोगे? कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और क्या बोलूँ। मेरा तो पागल आपने बना ही दिया। ये सब याद है मैं कैसे बोलती हूँ? और नहीं तो मैं भी देखती हूँ। इंस्टा फॉलो कर लेना, बात करनी हो डीएम करना। बाय बाय, टेक केयर, बाय। चलो रोएंगे।